एक और कस्टम रूम और हम किक ऑफ कर रहे हैं विद 73 प्लेयर्स। सो हियर इट इज़, प्लेन रूट है प्रिमोस्की से लेके लिपोका की ओर, एंड इट विल श्योरली बेनिफिट दोज प्लेयर्स जिनका आइडल लोकेशन होता है हमेशा, जो मिलिट्री बेस उतरते हैं। मिल्टा में भी हमें फाइट देखने को मिलेगी, एंड लिपोका जाते हैं बंदे। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मिलिट्री बेस हमें कोई स्क्वाड जाते हुए नहीं दिख रहे फिलहाल, लेकिन मिल्टा में बहुत सारी मारामारी हो सकती है। एटलीस्ट 2 स्क्वाड्स तो हैं मिल्टा के लिए, वेयर एज पोचिंग की भी कोई स्क्वाड नहीं जा रही है। मीनवाइल मैं देख रहा हूँ टीम नंबर 13 के ऑर्थोडॉक्स अकेले उतरे हैं पोचिंग की में, वाइल वन मैन आर्मी टीम स्प्रे गॉड इज ऑल्सो देयर। और मिल्टा में हमें देखने को मिल सकता है टीम नंबर 18 प्लस टीम नंबर 20 गोइंग अगेंस्ट ईच अदर। सो फिलहाल तो लूट करने में बिजी है, बट फाइट कमिंग अप। मीनवाइल फाइट चलते हैं यहाँ लिपोका की ओर, जहाँ पे टीम नंबर 12 एंड टीम नंबर 23 फाइट लेते हुए टीम नंबर 12 के 2 प्लेयर्स डाउन है, वेयर एज टीम नंबर 23 का भी एक प्लेयर डाउन था जिन्हें रिवाइव मिल जाएगा। एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि ओपी पिकाचू कैन ही सर्वाइव हियर, वेर एज नेक्सस माफिया नीचे आए हैं एंड नेट कुक कर रहे हैं। ओपी पिकाचू क्या कनेक्ट करेगा? एंड इट विल नॉट कनेक्ट एट द मोमेंट। ओपी पिकाचू सर्वाइव्स, बट वेर एज नेक्सस माफिया ने फिनिश कर दिया है ओपी नोबिता एंड नू ब्लॉड को। ओपी पिकाचू अलोन, वन मैन सर्वाइविंग, क्या क्लच कर पाएंगे देखने वाली बात होगी। शॉट गन लेके टीपीपी लेते हुए यहाँ पे, एंड हियर इज द नॉक एज वेल। ओपी पिकाचू रियली ओपी एट द मोमेंट। टू मैन रिमेनिंग एट द मोमेंट फॉर टीम नंबर 23, और कूदते हुए यहाँ पे एंड एक और नॉक निकाला। वन मैन रिमेनिंग एंड हियर इट इज विली क्लच, एंड यस ओपी पिकाचू रियली ओपी एट दिस मोमेंट एंड शोइंग एवरीवन दैट्स हाउ यू डू इट। मीन वाइल मिल्टा में फाइट चलती हुई टीम नंबर 20 एंड टीम नंबर 18 की, टीम नंबर 20 के 1 प्लेयर डाउन, वेयर एज टीम नंबर 18 के 2 प्लेयर्स डाउन है। टीम नंबर 18 का 1 प्लेयर तो रिवाइव हो जाएगा, लेकिन केएनएफ वाइपर का रिवाइव थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है एट द मोमेंट। मीन वाइल यहाँ फाइट चलती हुई टीम नंबर 14 एंड टीम नंबर 8 के बीच में, एंड वन मैन डाउन फॉर टीम नंबर 8, मडवेल किलर विल बी डाउन एंड ही कैन बी फिनिश्ड एज वेल, एंड यस ही विल बी फिनिश्ड देयर बाय अश्विन नाइक। और यहाँ पे क्या छुपे हुए हैं साईराज गाउंस, क्या स्पॉट कर पाएंगे? मीनवाइल मिल्टास फाइट हैव बीन वॉन बाय टीम नंबर 18 जो इनकी चल रही थी अगेंस्ट टीम नंबर 20, वेयर एज चलते हैं स्ट्रेट टूवर्ड्स टीम नंबर 21, वेयर स्प्रे आता हुआ यहाँ पे ओपी पिकाचू पर और लो कर दिया है, बहुत लो है, और ओपी पिकाचू इज फिनिश्ड एज वेल बाय साईदीप। रेंडर प्रॉब्लम की वजह से कुछ दिख नहीं रहा फिलहाल, एंड हियर इट इज इन अ मूविंग व्हीकल स्प्रे देते हुए साईदीप। मीनवाइल टीम अल्फा हैव बीन स्प्लिट इन अ 2 ग्रुप्स, एक ग्रुप लूट कर रहा है रजोक की ओर, तो दूसरा ग्रुप है यहाँ पे स्कूल की ओर। दैट्स अ गुड स्ट्रेटजी बट कैन बी डेंजरस एज वेल। मीनवाइल टीम नंबर 14 इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स प्रिजन, और जहाँ उनका स्वागत करेंगे स्वैग से टीम नंबर 21। साईदीप एंड घोष 69 आर वेटिंग, एंड एनी टाइम द स्प्रे कैन बी अ क्रूशल वन एज वेल, एंड हियर इट इज कारल विथ होलो, एंड हियर इज द फर्स्ट नॉक, एंड हियर इज द स्प्रे ट्रांसफर एज वेल। वॉट अ गुड नॉक्स देयर फ्रॉम
घोष 69। एंड मीनवाइल एक और भी स्क्वाड ज्वाइन करती हुई पार्टी को, टीम नंबर 9 आर देयर एज वेल होल्डिंग द हायर साइड ऑफ प्रिजन। और क्या होगा यहाँ पे, मीनवाइल नेड करने की कोशिश यहाँ पे, और नेड आता हुआ भी कनेक्ट नहीं करेगा हालांकि, एंड द फाइट विल बी वेरी क्रूशल इन प्रिजन। मीनवाइल टीम नंबर 9 सैंडविच हो सकते हैं पीछे से शॉट आते हुए टीम नंबर 5 के, एंड इट कैन बी अ क्रूशल वन। निहार ट्राइंग टू स्पॉट हियर विथ ओम इन हैंड, एंड हियर इट इज टीम नंबर 9 टेकिंग अ सेफ्टी रूट वेर दे विल रोटेट इन द जोन बिकॉज दे नो कि यहाँ सैंडविच का खतरा हो सकता है। मीनवाइल जोन कट्टा वार मेजॉरिटी ऑफ द टीम्स हैं ऑन द अदर साइड मिल्टा साइड, और दूसरे साइड में ज़्यादा मुझे टीम्स नहीं दिखे हैं फिलहाल। एंड हियर इट इज प्रिजन, स्टिल द फाइट इज ऑन बिटवीन टीम नंबर 21 एंड टीम नंबर 14। सम ग्रेनेड्स आर कमिंग हियर एंड बोथ टीम डोंट वॉन्ट टू प्ले एन अटैकिंग गेम एट द मोमेंट, जस्ट फ्लाइंग सम ग्रेनेड्स एंड ट्राइंग टू गेट दैट वन और टू नॉक्स। लेकिन यहाँ पे साईदीप बहुत ही पैसिव खेलते हुए। मीनवाइल टीम नंबर 7 एंड टीम नंबर 24 आर इन्वॉल्व्ड इन अ लॉन्ग रेंज फाइट एंड स्पॉट करने की कोशिश करते हुए यहाँ पे वॉइड निखिल विथ AWM। मीनवाइल टीम नंबर 25 डोंट वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क एट द मोमेंट, थोड़ा सा सेफ खेलते हुए वो लोग ऑक्युपाई कर रखा है कंपाउंड और शायद जोन का कटने का इंतजार कर रहे हैं और बाद में फाइट लेना चाहेंगे टीम नंबर 7 के साथ। एंड वेर एज टीम स्प्रे गॉड वन मैन आर्मी वंस अगेन, और शायद स्पॉट कर लिया है एल्फा की स्क्वाड को जो वहाँ पर आई है और ऑक्युपाई किया है कंपाउंड, एंड ही इज ट्राइंग टू रश इन towards them, slowly move towards them, और कार लेके नहीं आए हैं ताकि साउंड ना हो और पता ना चले। दैट्स अ स्मार्ट प्ले फ्रॉम टीम स्प्रे गॉड एज वेल। एल्फा रोहित ट्राइंग टू स्पॉट सम प्लेस एज वेल, एंड यहाँ पे इसे भी स्प्रे आता हुआ हल्का सा, तो टीम स्प्रे गॉड शायद स्पॉट हो चुके हैं एंड एल्फा अमित ने शायद उन्हें स्पॉट किया है। यस, एल्फा अमित इज लुकिंग फॉर हिम। जोन कट्टा हुआ मिल्टा की तरफ यहाँ पे। मीनवाइल अल्फा रोहित इज नॉक्ड और फिनिश भी हो जाएंगे यहाँ पे, टीम स्प्रे गॉड ने फिनिश किया, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है रोहित अकेले रश करने के लिए क्यों चले गए स्क्वाड के होते हुए। एंड दिस इज द सेटबैक फॉर टीम अल्फा श्योरली, एंड दे आर ट्राइंग टू स्पॉट हियर टीम स्प्रे गॉड। अल्फा सालिक्स स्पॉट करने की कोशिश करते हुए वेकार 98 विथ 8x, बट आई डोंट थिंक टीम स्प्रे गॉड will give any pick at the moment because वो बहुत smart play करते हैं as you can see। Meanwhile team number 2 are safe and sound, occupy कर लिया एक compound और मिल्टा में fight चलती हुई team number 7 and team number 24 के बीच में कुछ grenades भी आते हुए and a spray comes in and void nickel knocked out lone tage here with a good spray here, but meanwhile spray is coming up on void nickel as well and noob bad boy has knocked out void nickel as well। apex dw yahan pe thoda sa cover dene ki koshish karenge aur revive dene ki bhi koshish karenge, kuch smokes kiye hain wahan pe। two men down here team number 7 at the moment, whereas team number 24 bhi ek banda down hai lekin revive ho jayega। And oh, there is a good spray here on noob bad boy। और revive होते हुए यहाँ पे team number 7 के भी players and interesting fight to see surely। Whereas grenades आते हुए apex dwyt का connect होगा या नहीं, connect हुआ है लेकिन थोड़ी सी damage मिली है and lone तेज अभी भी revive हो रहे हैं, so I think that could be a setback। Whereas team 7 is on a roll here, they have knocked out another one, killer has been knocked and they are trying to rush as well, and here is another knock। Team number 24 in a deep trouble at the moment, one man surviving, veteran Sahil is surely there who is surviving at the moment, can he clutch, क्या क्लच कर पाएंगे। और यहाँ पे नॉक निकालते हुए है वेटेरियन साहिल, दो नॉक निकाले हैं लेकिन
क्या, और यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दे जाएंगे वेटेरियन साहिल भी। मीनवाइल बहुत सारे स्क्वाड जोन के बहुत ही ज्यादा दूर हैं और उन्हें रोटेट करना होगा जोन की तरफ, वेयर एज एल्फा का स्क्वाड थोड़ा डिफिकल्टी में लगता हुआ, उनके पास कार भी नहीं है, थोड़ा रिच का कवर है। हालांकि यहाँ पे टीम नंबर 4 अप्रोच करती हुई टीम नंबर 5 की ओर, और यहाँ पे अच्छा स्प्रे आ जाए तो, लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ स्प्रे। DDR सैंडी का ये स्प्रे था लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ। थोड़ा सा यहाँ पे पता नहीं शायद उनका नेट चला गया। एंड इसी बीच बहुत सारी स्क्वाड्स वहाँ पे होते हुए, एल्फा निहाल भी यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश में, और एंड इसी बीच यहाँ पे BT स्कारलेट नॉक होते हुए, एंड लॉट मैनी प्लेसेस वी आर सीइंग अ रश एज वेल। एंड यहाँ पे पूरी पार्टी होती हुई, सो मैनी प्लेयर्स आर डाउन, टीम नंबर 6 एंड टीम नंबर 14 तो वहीं पर फिनिश ऑफ कर देंगे यहाँ पे VG सैतान बीस्ट कहल को। एंड दिस इज अ डिफिकल्ट पोजिशन फॉर टीम नंबर 6, या वन मैन सर्वाइविंग बीस्ट बैरन, एंड इज ट्राइंग टू गिव अ स्प्रे एज वेल। कैन ही सर्वाइव इज द क्वेश्चन राइट नाउ, एंड विल बी आंसर शॉर्टली। मीन वाइल अनदर नॉक कम्स इन, BT वेनम इज डाउन एज वेल, VG शैतान इज डाउन एंड वेल, एंड हियर वी गो अश्विन नाइक ट्राइंग टू गिव सम स्प्रे बट श्योरली नॉट कनेक्टिंग, और यहाँ पे नेट करने की कोशिश में बीस्ट बैरन, एंड हियर इज द लास्ट स्प्रे कमिंग इन, एंड दैट्स अ गुड फिनिश हियर फ्रॉम टीम नंबर 6। और लेकिन जोन की तरफ बढ़ना होगा। मीन वाइल वी कैन सी हियर एल्फा अमित इज नॉक एज वेल, एंड ही इज श्योरली ट्राइंग टू गेट इन द जोन एज वेल, एंड दिस इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन बिकॉज टीम नंबर 5 ने स्पॉट कर लिया है, एंड इट कैन बी द एंड ऑफ एल्फा स्क्वाड, एंड इट इज द एंड ऑफ एल्फा ड्यू टू जोन एज वेल। मीन वाइल वी कैन सी हियर टीम नंबर 13 वन मैन डाउन, HG गोवरक्ष इज डाउन एज वेल, एंड रिवाइव मिल सकता है, स्मोक्स लॉट ऑफ स्मोक्स आर कमिंग अप हियर, एंड टीम नंबर 4 इज श्योरली गिविंग देम सम डिफिकल्टी बींग इन द जोन, और जोन में रोटेट करना होगा। मीन वाइल वाइपर सागर इज डूइंग लॉट ऑफ स्मोक्स एज वेल एंड ट्राइंग टू स्पॉट डैम एंड टू गिव अ बिट ऑफ डैमेज, बट शॉर्ट्स आर कमिंग ऑन हिम एज वेल। Meanwhile, टीम नंबर 7 ने यहाँ पे एलिमिनेट करते हुए टीम नंबर 2 को, एंड दे विल बी ट्राइंग टू रोटेट इन द जोन एज वेल, थैंकफुली दे हैव अ कार देयर। Meanwhile, टीम नंबर 9 ने यहाँ पे रश कर दिया है टीम नंबर 22 पर, और यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिए जाएंगे टीम नंबर 9, एंड व्हाट अ गेम दैट इज फ्रॉम के बोलर। और इसी बीच टीम नंबर 25 पर रश आया है टीम नंबर 5 का, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हु विल सर्वाइव हियर, नीतेश नॉक्स आउट निहार एज वेल, एंड टीम नंबर 5 इन डिफिकल्ट पोजीशन एट द मोमेंट, DDR सैंडी सर्वाइविंग एंड ही विल बी फिनिश्ड एज वेल, एंड टीम नंबर 25 सर्वाइविंग वंस अगेन। टीम नंबर 25 जोन का डैमेज लेके आएगी जोन की तरफ, और वहाँ पे हीरोज किंग ने स्पॉट कर लिया है और स्प्रे देते हुए, और एक स्प्रे में शायद ख़त्म कर सकते हैं। यस, एलिमिनेटेड टीम नंबर 25 बाय हीरोज किंग, टेकिंग द एडवांटेज ऑफ द जोन देयर, और वी आर लेफ्ट विथ ओनली 3 टीम्स, और श्योरली अपर हैंड है यहाँ पे टीम नंबर 22 का जो कंपाउंड ऑक्यूपाई करे हुए हैं वहाँ पे, बट आई कैन सी दे आर ओनली इन वन हाउस। एंड हियर इज अ नॉक, हियर लवली हेडशॉट फ्रॉम एपेक्स जॉनी एक्सट्री, एंड के बॉलर इज डाउन एज वेल, एंड वॉइड निकिल हैव स्पॉटेड नंबर 13 ट्राइंग टू गिव देम शॉट्स ऑफ AWN, एंड हियर इज अ नॉक एज वेल, HG मामा सक्का हैज बीन नॉक्ड एज वेल, एंड वॉइड निकिल एंड टीम 7 विल ट्राई टू गो इन टू द जोन एज वेल विद दैट नॉक, एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी बिकॉज टीम नंबर 22 इज देयर ऑक्यूपाइड विद दैट कंपाउंड, एंड हियर इज इट द रश कम्स एंड दे आर हियर, हु विल सर्वाइव दिस बैटल, एंड अ लॉट ऑफ ग्रेनेड शुड कम इन नाउ, एंड यस इट इज रेनिंग इन द हाउस विद ग्रेनेड्स, and team apex is not leaving any stone unturned, and here is a jump from the dark vip who will be knocked as well, just up getting a bit nervous and jumping off the house, or
बहुत लो है फिलहाल टीम नंबर 13 भी, लेकिन टीम नंबर 22 थोड़ा सा टीपीपी लेके वेट कर रहे हैं रश का। लेकिन अगर एक आर ग्रेनेड अच्छा आ गया तो डैमेज दे जाएगा एंड वी विल सी एन एग्जिट एंड हियर इज अ नॉक एज वेल। और अब रश आएगा के बॉलर के नॉक होते ही एंड दे विल लीव नो स्टोन्स अनटर्न टू फिनिश इट ऑफ एज वेल। एंड यस वी आर लेफ्ट विथ ओनली टू टीम्स एंड टीम 7 नोस वेयर द टीम 13 इज। उनको पोजीशन का पूरा अंदाजा है और वो इसी वजह से डायरेक्टली वहां जाके कोई कवर नहीं है टीम नंबर 13 के लिए। और इसका ही एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज मिलता हुआ ऑर्थोडॉक्स नॉक एंड फिनिश होते हुए, इसी के साथ जस्ट टू मैन सर्वाइविंग फॉर टीम नंबर 13 विदाउट एनी कवर एंड गौराक्स इज ट्राइंग टू टेक अ फाइट बट ही हैज बीन नॉक्ड एज वेल विद अ हेड शॉट ऑफ AWM बाय वॉइड निखिल। जस्ट लास्ट मैन सर्वाइविंग हीरोज किंग एंड ही नॉक्स वॉइड निखिल। सो हियर इज अ सिचुएशन 3v1 विथ वन प्लेयर डाउन ऑफ टीम नंबर 13। Who will win this? Team number 7 rushing in, I feel so. And there is a flank coming in from Apex DWYT from the left side and he's giving him a lot of damage. Heroes King trying to give it in return, but surely have an upper hand here. Getting up and giving some Uzi spray as well, but the game is over and we have a lovely chicken dinner for this team. Apex SG, Void Nickel, Apex DW, Apex Johnny XT, what a gameplay. They have made it count and a good game overall. Chicken dinner with 19 kills here for them and what a game it has been.